अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे यहां इस तरह आने से वाजे है कि तुमने बाल गाय के इख्तियार की लालच को भड़का दिया है। अब मैं जाकर अपने भाइयों और ताई जान सिलजान खातून को और कबीले को बालगाय के जुल्म से बचाऊंगा और अल्लाह की रजा से एक बहुत बड़ी जंग का आगाज करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान से ज्यादा हिफाजत की है। अल्लाह आपसे राजी हो शेख अदाबाली। यह तुम्हारी मंगोलों से पहली जंग है। पहली जंग हमेशा मुश्किल होती है, संभल के कदम उठाना पड़ता है। जब हमारे आका सहाबा के साथ बद्र की जंग के लिए रवाना हुए तो मुशरिकीन इस मुबारक फौज को कमतर फौज समझ रहे थे। वो अपनी ताकत पर घमंड कर रहे थे। वो ये समझे कि मुसलमान तादाद में कम हैं, लेकिन हमारे आका हमेशा चौकन्ने रहे। पैगंबर इस्लाम मुशरिकीन से पहले मैदान जंग में चले गए और तमाम मकामात को संभाल लिया। जहां जहां जिसकी जहां जरूरत थी तैनात कर दिया और उन्होंने ऐसी जंगी हिकमत अमली तैयार की जिससे बज़ाहिर बेसर और सामानी भी ताकत में बदल गई। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल करने के बाद अल्लाह के हुजूर दुआ शुरू कर दी। हमारे नबी करीम ने अपनी फौज को अपने रब के हवाले कर दिया। रब करीम ने उन्हें जवाब दिया। मेरा रब कलाम पाक की सूरह आले इमरान में फरमाता है, और बेशक अल्लाह ने जंग बद्र में तुम्हारी मदद की। जब तुम बिल्कुल बेसरो सामान थे तो अल्लाह से डरो कि कहीं तुम शुक्रगुजार हो। अल्लाह अपने मुकर्रब बंदों की मदद फरमाता है, उसकी जात से कभी ना उम्मीद ना होना। मेरा रब इंशाल्लाह हमारी मदद करेगा फरिश्तों के साथ। फतह हासिल होगी इंशाल्लाह। ये तुम पर मुनसर है उस्मान, लेकिन कैसे? अपनी मुखलिसाना जिद्दोजहद और खिदमात को हमेशा जारी रखना, सब कुछ मोहब्बत के साथ करना। जानते हो मोहब्बत है तो उसी में बरकत है। लेकिन ये मोहब्बत तुम्हारी लैला के साथ जैसी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। क्या तुम जानते हो हमारे नबी अपने रब की मोहब्बत में ताइफ के लोगों के जुल्म सहते रहे, लेकिन वो जालिमों के आगे झुके नहीं। दुश्मन उन्हें कभी खौफजदा न कर सके। दस्तरखान पर तलवार इस्तेमाल करते हुए, जरगे में बोलते हुए, मसाइल सुनते हुए तुम्हें मोहब्बत को किसी हाल में नहीं छोड़ना। अगर तुमने मोहब्बत का दामन हाथ से छोड़ा तो तुम्हारा शऊर तुम्हें छोड़ जाएगा। शैतान तुम्हारे नफ्स को इस्तेमाल करके तुम्हें अपना गुलाम बना लेगा। अपने दिमाग और मोहब्बत को बराबर समझो बेटा। ऐसा करो ताकि आलम इस्लाम पर छाए स्याह बादल छट जाएं। मायूसी को खत्म होना चाहिए,
काहिली को खत्म होना चाहिए। देरेलिश की आग को फिर से भड़काना होगा। अल्लाह के हुक्म से ये मेरा वादा है, खुद से आखिरी सांस तक मुकाबला करूंगा। चलो, अगर हम ऐसी बातें करते रहे तो फिर बाल गाय का दिमाग खराब हो जाएगा। या अल्लाह, बिस्मिल्लाह।